हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। एक सेंटेंस लेते हैं, आई राइट अ लेटर, इसको ऑल टेंसेज में आज चेंज करना और फिर उसके जो जहां जो जो टेंस में पॉसिबल होगा उसमें के पैसिव वाइज बनाना सिखाया जाएगा। जैसे कि सेंटेंस जो है आई राइट अ लेटर है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ रिवीजन करा दिए रहा हूँ। जैसे कि टेंस कितने होते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, तो उनके जो है 12 टाइप्स होते हैं टोटल, तीनों के चार चार मिला करके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डूडज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज बीन हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज वर, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शैल विल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शैल बी विल बी, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस शैल हैव विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शैल हैव बीन विल हैव बीन। जब इनके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसको याद रखेगा, जितने भी टेंस हैं इस सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें इज एम आर प्लस बीइंग जोड़ देना है, यानी इज बीइंग, आई एम बीइंग और आर बीइंग, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। थर्ड नंबर हैज बीन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन हैव बीन लगेगा, और पास्ट व प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज बीइंग वर्ब बीइंग, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन पैसिव लगा होता है इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल बी विल बी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव विल हैव बीन लगेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा। अब आते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है आई का मी हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, हू का हुम, इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएंगे सब, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो बात कर रहे हैं सेंटेंस आई राइट अ लेटर, तो इसको हम जो है ऑल टेंस से पहले चेंज करना जानेंगे। जैसे आई राइट अ लेटर हिंदी होगी, मैं एक पत्र लिखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई रोट अ लेटर, इसमें सेकंड फॉर्म लगता है, तो आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था, पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई शैल राइट अ लेटर, आई के साथ हमेशा शैल लगेगा, वी के साथ भी शैल लगेगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूँ। अब जो है इनके जो टेंस के पॉसिबल होगा पैसिव वॉइस बनाना उसको हम बनाएंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर आई राइट अ लेटर, तो इसमें पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाना है, तो अ लेट मतलब इसमें देखिए एक नियम है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है, उसको पहले रखना है, फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
फिर बाई लगाना है, फिर जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना करके रख देना है। जैसे कि आई राइट अ लेटर है तो इसका ऑब्जेक्ट होगा अ लेटर, तो अ लेटर से स्टार्ट करेंगे तो अ लेटर इज, अ लेटर इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिटर्न, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाई और सब्जेक्ट क्या था आई, तो आई का क्या हो जाएगा मी। ये यहाँ नियम मैंने आपको बताया, ये देखिए नियम आई का मी। फिर आई एम राइटिंग अ लेटर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें इज बीइंग, आर बीइंग, आई एम बीइंग ये लगेगा, तो अ लेटर से स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट से, तो अ लेटर एक वचन है इसलिए यहाँ इज लगेगा, और बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिटन, फिर बाई मी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। थर्ड नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें आई हैव रिटन अ लेटर है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर हैज बीन। हैज क्यों लगा, क्योंकि एक वचन है और बीन उसका हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस का, जो बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। और ये आई अ लेटर हैज बीन रिटन बाई मी, ये हो जाएगा। फोर्थ नंबर उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो हैज बीन अभी पहले से लगा हुआ है, इस वजह से इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, इसको छोड़ देंगे। फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आई रोट अ लेटर, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ लेटर से स्टार्ट करेंगे, तो अ लेटर फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होगा, तो इसमें वाज लगाएंगे एक वचन है, फिर रिटर्न थर्ड फॉर्म वर्ब की बाई, फिर आई का मी हो जाएगा, तो अ लेटर वाज रिटर्न बाई मी। फिर सिक्स नंबर है आई वाज राइटिंग अ लेटर, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्ट से लेंगे, तो अ लेटर फिर इसके बाद वाज वर्ब लगाएंगे, फिर बीइंग जोड़ देंगे, तो वाज बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई मी। सेवन्थ नंबर है आई हैड रिटन अ लेटर, पास्ट परफेक्ट टेंस है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड बीन लग जाता है हेल्पिंग वर्ब, तो ऑब्जेक्ट से उठाएंगे, तो अ लेटर हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई मी। एट्थ नंबर है आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हैड बीन पहले से लगा हुआ है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएगा, तो छोड़ देंगे इसको, हम क्रॉस कर देंगे। नाइन्थ नंबर है आई शैल राइट अ लेटर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसमें जो है इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से उठाएंगे, तो अ लेटर और लेटर जो है इसके साथ विल लगेगा, शैल किसके साथ लगता है आई और वी के साथ, तो अ लेटर विल बी, और इसमें विल भी लग जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। टेंथ नंबर है आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो शैल बी लगा हुआ है इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्रॉस कर देंगे। एलेवेंथ नंबर है आई शैल हैव रिटन अ लेटर, तो आई शैल हैव रिटन अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ लेटर, इसमें विल हैव लग जाएगा, विल हैव बीन रिटन बाय मी। ट्वेल्थ नंबर है आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसमें शैल हैव बीन वॉइस लगा हुआ है, इस वजह से इसमें इसका जो है इस सेंटेंस इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो क्रॉस कर देंगे।